मेरा नाम अंजलि बंसल है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 93 में हुई थी लखनऊ में, और मेरा वेट पहले 55 kg था शादी के समय। धीरे 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 मेरा वेट पहली प्रेगनेंसी के समय बढ़ता चला गया। हर हफ्ते में 2 से 3 kg जाते ही था बढ़ के। फिर मैं बहुत परेशान हुई, डॉक्टर से भी कहती थी तो डॉक्टर कहता था कि प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा बाद में, लेकिन फिर बाद में नहीं हुआ। फिर मेरा वेट बढ़ते गया, लेकिन मेरी जो सेकेंड डिलीवरी हुई उसमें वेट मेरा और बढ़ गया। लोग मेरे को बोलते थे कि तुम्हारा वेट इतना क्यों बढ़ रहा है, मुझे बताने में भी शर्म आती थी कि मैं क्या करूँ, कैसे अपना वेट कम करूँ, कुछ नहीं समझ में आता था। दिस सिचुएशन इज अबाउट यंग लेडी अंजलि हु इज 42 ईयर्स ओल्ड, has been suffering from obesity for last 20 years. She has got diabetes, hypertension, obstructive sleep apnea, snoring, joint pains, and many other problems like hypothyroid, which is associated with obesity. She has been fighting for obesity. Ultimately, all the efforts failed, and she reached to a BMI of 58, which is a super obesity. बाहर भी जाने में शर्म आती थी, घर में रह के भी एक अंदर से गिल्टी फील होने लगी थी मुझे कि मैं कहीं पे भी जाऊंगी सब मुझे टोकेंगे भी और अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी कपड़े हैं पहनने के लिए, मन करता था कि ये पहने, कि जीन्स पहने या सलवार सूट पहने, कुछ नहीं पहन पाते थे क्योंकि मेरे नाप के कपड़े आते ही नहीं थे। दिस लेडी केम टू मी अ कपल ऑफ इयर्स बैक एंड आई टोल्ड हर दैट सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज लेफ्ट फॉर हर to get rid of this obesity problem, because the weight loss needed is so much that in spite of the lifestyle changes and other supportive measures, she would not be able to reach to a level which is acceptable weight to us. ऑपरेशन से मुझे डर लगता था, और ये भी मुझे डर लगता था कि पता नहीं उसमें कैसे क्या करेंगे अंदर, कि कहीं कुछ दिक्कत ना आए, आगे आने वाले समय में दिक्कत ना आए, कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। अभी तो हम अपना वेट को लेके परेशान हैं, कहीं अंदर अंदर कोई और ऐसी चीज ना हो जाए जो जिसका साइड इफेक्ट बाद में हो जाए। ड्यूरिंग दिस वेटिंग पीरियड शी आल्सो डेवलप्ड गॉल ब्लैडर स्टोन व्हिच अगेन इज वेरी कॉमनली सीन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी एंड ओबेस पेशेंट्स। ड्यूरिंग दिस 2 इयर्स और मोर व्हाइल शी केप्ट ऑन वेटिंग एंड ट्राइंग द मोडालिटीज व्हिच वी नो डज नॉट वर्क इन दिस केसेस कंटिन्यूड, and that was because of her anxiety and because of the decisions which she could not take because of fear factor in these patients. बच्चों ने मेरे को बहुत समझाया, वो मुझे कॉपी में अपने पेन से ड्राइंग बना बना के दिखाते थे कि तुम ऐसे, मम्मी आपका ऐसे ऐसे होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ी सी खाने की थैली छोटी होगी और कुछ भी नहीं है। और आप तो खूब अच्छे से देखिए, हमेशा जीन्स पहनेंगी, मेरी शादी में आपको डांस करना है, कैसे डांस करेंगी, अभी तो आप चल भी नहीं पाती हैं, बाथरूम जाने में दिक्कत होती है, कहीं बाहर जाने में आपको शर्म आती है। फाइनली शी मेड अप हर माइंड रियलाइजिंग दैट नथिंग इज गोइंग टू वर्क। सो व्हेन आई सॉ हर इन द आफ्टर शी गॉट एडमिटेड इन द प्री ऑपरेटिव पीरियड, आई फाउंड आउट टू बी वेरी वेरी एंग्शियस एंड आई नीडेड अ लॉट ऑफ रीअश्योरेंस to her that everything is going to be well, and she handled it very well, and we have been able to operate. As we know that because of the very high BMI, the gastric bypass was a very difficult and challenging surgery, but somehow we could manage, we could remove her gallbladder laparoscopically and also do a gastric bypass for her with lot of difficulty due to enlarged liver and lot of fat inside the abdomen. और बच्चों ने तो इतना ज़्यादा किया कि मैं आज यहाँ हूँ, दोनों बच्चों को आज छोड़ के आई हूँ। जो मेरा छोटा बेटा वो अपना से खाना भी नहीं खाता, उसको मुझे को बहुत बोलना पड़ता है तुम दूध पी लो, खाना खा लो। मैं यहाँ पे आई तो वो बीमार भी हो गया था, 3 दिन से वो स्कूल नहीं गया, उसके गले में टॉन्सिल भी हो गया था। बोला मम्मी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइए, हम खूब अच्छे से रहेंगे ना, हम लड़ाई करेंगे। और ये है कि बस उन्हीं दोनों ने मुझे धकेल के यहाँ भेजा है। शी हैज़ डन वेल, इमीडिएटली कपल ऑफ आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन शी वॉज वॉकिंग इन द कॉरिडोर एंड नाउ शी इज टेकिंग लिक्विड डाइट एंड आई एम श्योर वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वेरी एक्साइटिंग फ्यूचर फॉर हर, मे बी विदाउट डायबिटीज,
maybe about 50 to 60 kilograms of weight loss, snoring disappearing, and many of her conditions which are bothering emotionally and physically will also resolve over a period of time. मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सब लोग आएँ और अपना ये ऑपरेशन जरूर करवाएं।